दोस्तों मोबाइल से क्लिक किया हुआ या व्हाट्सएप से आया हुआ कोई भी फोटो को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको इस वीडियो में मैं दो ऑप्शन बताऊंगा। इन दोनों ऑप्शन के जरिए जो है आप ये आसानी से कोई भी फोटो को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कैसे करना है आगे वीडियो में पूरा जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिखे उसको प्रेस कर बॉल पर क्लिक कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों दो ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन है कोई भी फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो है एडोब स्कैन। ये एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर में काफी आसानी से मिल जाएगा, तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, या तो फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस दिखेगा, और सबसे पहले जो है यहाँ पे कैमरा ओपन होकर आएगा। आप इस कैमरे के जरिए जो है कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से जो है क्लिक करके भी पीडीएफ आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप जितना भी फोटो यहाँ पे क्लिक करेंगे मैक्सिमम आप 25 फोटो जो है यहाँ से क्लिक कर पाएंगे और पीडीएफ पे कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप से आया हुआ फोटो है या तो फिर फोन से क्लिक किया हुआ फोटो है तो आप इस फोटो ऑप्शन में क्लिक करना है। फोटो ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको जिस जिसको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करना है उसको यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर वाइज आएगा, और आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है राइट क्लिक का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपरिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो है ऑटो यहाँ पे क्रॉपिंग होके आ जाएगा। अगर सही से क्रॉपिंग हुआ नहीं है तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो इस पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, फिर आपको जो है सही से इसको क्रॉप कर लेना है सिलेक्ट करके। तो कुछ इस तरह से आपको रिसाइज कर लेना है और क्रॉप में एक बार क्लिक करना है। तो क्रॉप में जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आपका कलर चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, फिल्टर में क्लिक करना है और यहाँ पे जो है काफी सारा कलर दिख जाएगा, तो आपको इसको ऑटो में रहने देना है। फिर ये जैसे स्लाइड करेंगे तो दूसरा पेज आ जाएगा, फिर से आपको क्रॉप में जाना है और कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके फिर से आपको क्रॉप में क्लिक कर देना है। तो ऐसे जो है सारा पेज को आपको क्रॉप कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो है यहाँ पे मेरा क्रॉपिंग और यहाँ पे जो है फिल्टर सारा हो चुका है। अब होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ माई डॉक्यूमेंट और इसको रीनेम कर देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है सेव पीडीएफ फाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे 7 पेज का एक पीडीएफ फाइल जो है आपका बन जाएगा। फिर यहाँ से आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ से जो है आप किसी को भी इसको शेयर कर सकते हो। तो शेयर या कॉपी में जाना है, जैसे जाएंगे तो यहाँ से जो है आप व्हाट्सएप के जरिए या तो फिर ईमेल के जरिए किसी के भी जरिए आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको गैलरी में ले जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ से डाल लेता हूँ जेएमके टेक जोन में, और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना। आप जैसे पेस्ट करेंगे तो ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुका है। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से काफी आसानी से ये ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है 7 पेज का एक पीडीएफ फाइल बन चुका है। अब दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन से करने के लिए जो है आपके पास जो है कैमरे से क्लिक किया हुआ फोटो होना चाहिए, क्योंकि उस पे जो है क्रॉपिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गूगल क्रोम यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको इस पे सर्च बार में आपको लिख देना है जेपीजी टू पीडीएफ। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है काफी सारा वेबसाइट आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले वाला वेबसाइट आपको क्लिक कर लेना, आई लव पीडीएफ का वेबसाइट होगा। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट जेपीजी का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको सिलेक्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो भी डॉक्यूमेंट को आपको करना है उसको कुछ इस तरह से जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डन में क्लिक करना है। आप जैसे डन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है ये अपलोडिंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड कंप्लीट हो चुका है और डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फाइल है यहाँ पे पीडीएफ होकर आ जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसको आपको जो है कुछ इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको यहाँ से जो है पीडीएफ व्यूअर से मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉपिंग का आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक फोन से क्लिक किया हुआ या तो फिर व्हाट्सएप से आया हुआ फोटो को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई जानकारी। जय हिंद, वंदे मातरम।